OnePlus Note CE, How to Improve Battery Life। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने OnePlus के डिवाइस में बैटरी लाइफ इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अगर आपका बैटरी लाइफ बहुत जल्दी जो है घट रहा है, बहुत जल्दी जो है कंज्यूम हो रहा है, कम हो रहा है, तो आप दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको शो करके बताऊंगा कैसे आपको बैटरी लाइफ इम्प्रूव करना है। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, सारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चीज़, आपके जितने भी कनेक्शन से बेवजह दोस्तों यहाँ पे ऑन करके मत रखिएगा। जैसे कि हो गया आपका इंटरनेट कनेक्शन, ब्लूटूथ, वाईफाई, उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन, और यहाँ पे हो गया ठीक है लोकेशन NFC, एंड यहाँ पे भी कुछ हो सकते हैं जैसे कि ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो बस दोस्तों यहाँ पे आपका कनेक्शंस, जैसे कि लोकेशन, NFC, डेटा, वाईफाई, ब्लूटूथ, ठीक है, ये सब बंद होना चाहिए आपका बैटरी लाइफ इंप्रूव करने के लिए। आपके साथ ही साथ यहाँ पे जो यहाँ पे बैटरी सेवर का ऑप्शन है, उसको भी आप इनेबल करके यूज़ वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बैटरी सेवर वगैरह को यूज़ करते हैं तो दोस्तों आपका बैटरी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लास्टिंग करेगा। तो ये होते हैं अभी दोस्तों इम्प्रूव करने के लिए सेटिंग पर जा सकते हैं आप। यहाँ पर भी कुछ सेटिंग्स आपको मिलेगा, जैसे कि डिस्प्ले पर क्लिक करें, एडवांस पर जाइए, रिफ्रेश रेट यहाँ पे सेलेक्ट करें, तो लेस स्मूथर विथ बेटर बैटरी लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, अगर आपका रिफ्रेश रेट ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा और स्मूथ पे रहेगा, अल्ट्रा स्मूथ, तो आपका बैटरी लाइफ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा वो बैटरी लाइफ को कंज्यूम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर बैटरी लाइफ इंप्रूव करना है तो 60Hz रिफ्रेश रेट उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सारी साथ मोबाइल पे कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जो कि बैकग्राउंड पे बस रनिंग करते रहते हैं, तो उस एप्लीकेशन को मोबाइल से फेंक दीजिएगा, ठीक है, डिलीट कर दीजिएगा। उसके साथ ही साथ आपके मोबाइल पे कोई बैड एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर लिया, जैसे कि कोई भी अननोन वेबसाइट से आपने इंस्टॉल कर लिया है, तो उन एप्लीकेशन को दोस्तों आपको मोबाइल से डिलीट कर देना होगा। एंड आप दोस्तों यहाँ पे चेक करें आपका जो रिसेंट ऐप है वो भी आपका क्लोज रहे। अगर आपका रिसेंट ऐप ओपन रहेगा बैकग्राउंड पे, तो दोस्तों वो सारे ऐप बैकग्राउंड पे रन करते रहेगा, आपका बैटरी लाइफ कंज्यूम करते रहेगा, तो उसको भी आपको बंद कर देना है, ठीक है। सारे साथ एक बार मोबाइल को रिस्टार्ट कर लें, उसके बाद बस मोबाइल को रख दीजिए साइड में, बैटरी लाइफ बचते रहेगा, बैटरी सेवर ऑन कर दीजिएगा, इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट आपको चार्जिंग कैसे करना चाहिए। चार्जिंग दोस्तों आपको करते रहना नहीं चाहिए, ठीक है, एक बार कर दिया 100% तक कर दिया, चार्जिंग करते वक्त आपको गेमिंग वगैरह नहीं करना है, क्योंकि वरना फ़ोन गर्म हो जाएगा, बैटरी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। चार्जिंग करते वक्त मोबाइल का केस आपको निकाल देना है, और जब बैटरी 20% के आसपास हो जाएगा तब आप चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर 30% से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो बैटरी आपका काफ़ी हेल्थी रहेगा, और ये सारे चीज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बैटरी अगर ज़्यादा से ज़्यादा डाउन भी हो जाते हैं 0%, तो भी दोस्तों यहाँ पे ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों वो बहुत नीचे चला जाते हैं, और तो ऐसा आपको पता ही है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, सेटिंग पर जाइए, सिस्टम पर क्लिक कीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है सिस्टम अपडेट कीजिए, ठीक है, सिस्टम अपडेट रहेगा तो बैटरी लाइफ इम्प्रूवमेंट होता रहेगा, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे ये लगते हैं। तो आप सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो बैटरी लाइफ है वो इम्प्रूवमेंट होगा, जितना एप्लीकेशन जितना रन करेगा उतना बैटरी लाइफ कंज्यूम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा, तो ये सारे कुछ आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।